नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है और एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर सामने उपस्थित हूँ आपके। जी हाँ, राजस्थान यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन को लेकर बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। एडमिशन यहाँ पे शुरू हो गए हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के संघटक कॉलेजों के। थोड़े दिनों पहले मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें आपको समझाया था संघटक कॉलेज और संबंध कॉलेज क्या है। जी हाँ, दोनों के लिए मैंने आपको बता दिया था। तो यहाँ पे जो एडमिशन शुरू है संघटक कॉलेजों के, तो इसके बारे में पूरा बात करेंगे। एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाली है, किस हिसाब से आपके एडमिशन रहेंगे, कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, क्या फीस रहने वाली है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहें तथा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें। तो बात करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो के बारे में। जी हाँ, आपके सेशन 2022-23 के फॉर्म शुरू हो गए हैं संघटक कॉलेजों के। अब संघटक कॉलेज क्या है, मैंने पहले भी बताया था लेकिन जो आज नए हैं वो देख सकते हैं। देखो भैया, संघटक कॉलेज क्या होता है, राजस्थान यूनिवर्सिटी के तहत जो चार कॉलेज हैं ध्यान रखेंगे, राजस्थान कॉलेज, ये आर्ट्स कॉलेज है ना, एक कॉमर्स कॉलेज और एक है महाराजा और एक है महारानी, ये गर्ल्स कॉलेज है। ध्यान रखेंगे, चार कॉलेज हैं संघटक कॉलेज, इस चीज को आप समझेंगे। दूसरा जो वर्ड है संबंध कॉलेज, संबंध कॉलेज अलग वर्ड है, संघटक कॉलेज अलग वर्ड है। संघटक में चार कॉलेज है तो प्रोसेस जो अभी शुरू हुआ है वो इनका शुरू हुआ है, ये ध्यान रखेंगे आप, है ना। चारों कॉलेजों का यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गया है। एडमिशन प्रोसेस में क्या खास है, नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन जारी हुआ है आज की डेट में, सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, फाइनली नोटिस यह है जो राजस्थान यूनिवर्सिटी साइड से आया है। तो ध्यान रखें, यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस 24 जून से 7 जुलाई तक आपकी शुरू रहेगी। एडमिशन में क्या करना है आपको, 10th और 12th की मार्कशीट आपकी चाहिए होती है एडमिशन के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट तो यह रहने वाली है, एक चीज़ ध्यान रखें, आप एससी एसटी ओबीसी जैसे कास्ट से हैं और ध्यान रखें आप जनरल में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के पात्र हैं, तो ये जो आपके सर्टिफिकेट होते हैं आप बनवा लें, इसकी बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। ध्यान रखें आपके कट ऑफ में आपको छूट मिलती है इनसे काफ़ी, है ना। तो ये आप डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लें, 2-4 दिन में अभी से तैयार करवा लें जैसे आपको छूट मिल जाए, जितना लेट करेंगे आपको दिक्कत होगी, ये ध्यान रखें। तो समय से आप तैयार करें। फॉरम आपके 24 जून से 7 जुलाई, जी हाँ 24 जून से 7 जुलाई तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। इस ऑनलाइन फॉर्म भरना है आपको, यूनिवर्सिटी की साइड से आपको फॉर्म भरना है, ध्यान रखें। फॉर्म भरने के बाद में आपको वेट करना है कट ऑफ परसेंटेज जो आती है, उस परसेंटेज का वेट करना है। उसके बाद में अगर लिस्ट में आपका नाम आता है तो वहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराएंगे, फीस जमा करवाएंगे, जो एडमिशन फीस होती है इस हिसाब से आपके एडमिशन होंगे। तो इस चीज़ को आप फॉलो करेंगे। अब एक ध्यान रखें, संबंध कॉलेज क्या होता है, संबंध कॉलेज में क्या होता है, संबंध कॉलेज राजस्थान के जितने भी सरकारी कॉलेज हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे दौसा हुआ, अलवर, कोटपुतली, ये सारे जो एरिया हैं, सापरा हुआ, यहाँ की जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो संबंध कॉलेज के अंतर्गत आती हैं। तो ध्यान रखें, उनका एडमिशन भी थोड़े दिनों में जल्दी प्रोसेस आपका शुरू होने वाला है, क्योंकि अभी CBSE का रिजल्ट पेंडिंग है, CBSE के एग्जाम शुरू हुए, एग्जाम खत्म हुए हैं अभी CBSE के, तो उसमें थोड़ा सा रिजल्ट में पेंडिंग है। तो या RBSE या CBSE दोनों के साथ होंगे, अलग अलग होंगे, ये थोड़ा देखना पड़ेगा, लेकिन अभी फॉरम केवल संघटक कॉलेज के शुरू हुए। तो ध्यान रखें 24 जून से 7 जुलाई तक आपको फॉरम भरना है। फॉरम फीस क्या होती है, लगभग 400 से 500 रुपये आपकी फीस रहती है, सबकी समान होती है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो आपको फॉरम लगाना है, यूनिवर्सिटी की साइड से आपको फॉरम लगाना, एडमिशन प्रोसेस में हिस्सा लेना। अब दो चीज़ों में आपको बता देता हूँ, देखो जो सबसे महत्वपूर्ण होती है, एक तो आप एडमिशन जो डॉक्यूमेंट्स हैं मैंने बता दिया, 10th 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, ये आप तैयार कर लेंगे, और जो आपका सर्टिफिकेट होता है वो आप तैयार करें। एक बोनस प्रमाण पत्र होता है अगर आपके पास कुछ खेल कूद का, अगर कोई उत्कृष्ट प्रमाण पत्र है खेल कूद का, या फिर ध्यान रखें NCC NSS ऐसा कोई प्रमाण पत्र हो जो 11th 12th में आपको मिला हो, तो ऐसी चीज़ें आपके पास हैं, खेल का हो कैसा भी हो आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए जो आपको बोनस दिला सके, वहाँ पे तो आप लगवा सकते हैं एडमिशन के समय, जिससे आपको बोनस मिलेगा, आपके एडमिशन में काफ़ी हेल्प होगी, वहाँ से परसेंटेज आपकी बूस्ट करेगी। तो ये ध्यान रखें, ये तो था आपका संघटक कॉलेज का। तो इन कॉलेजों में जब एडमिशन होगा उनके लिए जब भी नोटिस आएगा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ध्यान रखें इनका प्रोसेस आपको फॉर्म भरने के बाद में कट ऑफ का वेट करना है। तो ये कुछ अपडेट्स थी आपके इससे रिलेटेड, आने वाले समय में आपको कंप्लीट डिटेल्स और दूंगा। एक चीज़ ध्यान रखें, अब इनमें कट ऑफ क्या है, काफ़ी सवाल आते रहते हैं कि सर मेरी 90% है, कब क्या मेरा एडमिशन हो जाएगा, क्या मैं मतलब कि 80% है मेरा एडमिशन हो जाएगा, ऐसे सवाल आते हैं। मैं SC से हूँ, ST से हूँ, OBC से हूँ, ऐसे काफ़ी सवाल आते हैं। तो इन सभी चीज़ों का एक ही जवाब है, आपको थोड़े दिनों में एक वीडियो अवेलेबल करवा दूंगा, अभी तो आप फॉर्म भरिए कि क्या कट ऑफ पहले रही है, पूरा एनालिसिस करेंगे इस कोरोना में और कोरोना से पहले कि क्या कट ऑफ पहले रही और उसके बाद, क्योंकि एग्जाम नहीं हुए थे कोरोना में तो प्रमोट किया गया था 12th को, तो उनकी परसेंटेज क्या रही, उससे पहले परसेंटेज क्या रहती है, इन सभी चीज़ों का आकलन करके आपको एक वीडियो अवेलेबल करवा दूंगा, जिससे पता चल जाएगा कि कितनी कट ऑफ तक यहाँ पे जा सकती है। तो वो अभी थोड़ा लेट करेंगे हम, 2-3 दिन बाद में आपको वीडियो अवेलेबल करवा देंगे। तो ध्यान रखें अभी केवल आपको फॉर्म भरना है 24 जून से 7 जुलाई तक, अगर आप इन चारों कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं।
अब एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको बताने वाला हूँ, काफ़ी स्टूडेंट्स जो होते हैं जो इन कॉलेजों में एडमिशन लेने का सपना ले रहे होते हैं, लेकिन कई बार क्या उनको फॉरम मतलब कि एडमिशन नहीं होता, लेकिन मैं कहता हूँ आप फॉरम लगाएं यहाँ पे, है ना, फॉरम लगाइए। नहीं होता है तो आपके संबंध कॉलेज में जो एडमिशन आएगा उसमें आप लगा लेना। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं दोनों में फॉरम लगाते हैं, अगर यहाँ पे आपका एडमिशन हो जाता है तो वहाँ से अगर वहाँ भी आपका एडमिशन होगा तो डॉक्यूमेंट्स निकल जाते हैं, ठीक है, इस चीज़ को आप समझेंगे। अगर यहाँ पे आपका एडमिशन हो जाता है, यहाँ नहीं होता है, यहाँ पे आपका एडमिशन मान लो वेटिंग में था, कन्फर्म नहीं हुआ, तो वहाँ से भी डॉक्यूमेंट्स आपके निकल जाएंगे, फिर आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। दोनों की प्रोसेस लगभग लगभग साथ ही चलेगी, थोड़े दिनों में इसके भी नोटिस आने वाला है, तो ध्यान रखें फॉरम आपको दोनों में लगाना है। कोशिश करें इन कॉलेजों में एडमिशन अगर आपको मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपके जो क्षेत्रीय कॉलेज हैं वहाँ पे आपको एडमिशन मिल ही जाएगा, लगभग परसेंटेज वहाँ पे लगभग समाया नहीं रहती है आजकल, लेकिन परसेंटेज वहाँ पे अंत में मिल ही जाएगा। तो ध्यान रखें ऐसी अपडेट्स आपको समय से और मिलती रहेंगी, तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाले समय में सारी अपडेट्स आपको समय से मिले। एक चीज़ ध्यान रखें, आपके एडमिशन से लेकर परिणाम तक कठपुतली एजुकेशन आपके साथ है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, यहाँ पे आपको सारी अपडेट्स और भी मिलती रहेंगी। कंप्लीट PDF आपको मैं अवेलेबल करवाता रहूँगा, एडमिशन से रिलेटेड होंगी, छात्रवृत्ति से रिलेटेड जो भी अपडेट होंगी आपको सारी मैं अवेलेबल करवाऊँगा। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।